नमस्ते, हेलो, वेलकम। लाइवली सोल्स के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पंडित प्राथमिक शाला येऊर हिल्स में स्थित एक प्राइमरी स्कूल, यहाँ के येऊर हिल्स के रहवासी के बच्चों के लिए। आइए चलते हैं इस स्कूल को और डिटेल में देखने। भूषण पंडित के साथ जो इस स्कूल के ट्रस्टी हैं, जैसे मैंने कहा था, ये पंडित प्राथमिक शाला है एंड ये प्राइमरी स्कूल है जो एस्टैब्लिश हुआ है येऊर हिल्स में। मिस्टर भूषण, प्लीज आप ये स्कूल के बारे में कुछ बता सकते हैं उन्हें। 1976 में डॉक्टर पंडित WB पंडित करके थे, FRCS थे, सर्जन थे अच्छे। उन्होंने येऊर, ये जो विलेज है, ये और इनिशियल स्टेज में उन्होंने 1976 में इधर स्कूल, तो उन्होंने यह एक्चुअली ये फार्मिंग के लिए जगह लिया था, लेकिन उन्होंने आने के बाद देखा कि इधर अभी भी इतनी स्कूल अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर इनको पहले उन्होंने पहले बच्चे लोगों को सबको इकट्ठा करके और दिन भर इधर बैठने की उनको आदत डाल दी उन्होंने, और जो प्राइमरी हाइजीन रहती है उनके मुंह धोना, टीथ साफ करना, ये सब उन्होंने सिखाया। बाद में उनको अच्छे ठाणे शहर से वो अच्छे कपड़े लेके आते थे, अच्छा खाना पीना लेके आके उनको उधर दिन भर इधर खाली बिठाते थे और उनको एक जगह बैठने का आदत डाला पहले उन्होंने। बाद में आस्ते आस्ते एक साल के बाद उनको बच्चे लोगों को इधर एक जगह बैठने की आदत हो गई। बाद में उन्होंने उनको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना सिखाया, जो मराठी लैंग्वेज में आ ई जो बोलते 1 to 10 उनको सिखाया। बाद में 1981 में उन्होंने फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये स्कूल के लिए उन्होंने परमिशन लिया। फिर 1981 से उनका स्कूल यानी सैंक्शन रिकग्नाइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिकग्नाइज स्कूल करके चल रहा था। मान एज होने के बाद 1994 में उन्होंने बोला अभी मेरे से, मैं बाजू भी मेरी जगह थी तो मेरे को, मैं बहुत बार इधर स्कूल में आता था, कुछ मदद लगे थे तो उनको भी मैं कुछ मदद हेल्प करता था मेरे हिसाब से जो होता था। तो उन्होंने बोला भूषण देखो अभी मेरा एज हो गया है, अभी मैं स्कूल आगे चला नहीं सकता है, लेकिन मेरे को बंद भी नहीं करना है, तुम कुछ कर सकते हो क्या। वो टाइम पे 1995 में पूरा स्कूल का जगह पूरा परचेज कर, उनसे परचेज करके स्कूल चालू रखा। 1997 में अभी स्कूल, तो स्कूल में ज़्यादा बच्चे नहीं, 70-80 बच्चे आते थे गाँव से, लेकिन उनको स्कूल चालू था लेकिन टीचर्स अनट्रेंड थी। तो मैं बोला अभी ट्रेन टीचर्स चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ट्रेन ये स्कूल मैंने 1998 में एडेड करके लिया महाराष्ट्र शासन से, तो और टोटल एट टीचर्स सैंक्शन हो गए और अच्छी तरह से रन हो गया, बच्चे लोग बढ़ गए, बच्चे 400 तक एकदम जो गांव में पूरे थे वो 400 स्टूडेंट्स तक आने लगे, और लड़का लड़की अच्छा, तो उनके लिए हम लोग स्कूल से यूनिफॉर्म्स और सुबह उनको खाना प्रोवाइड करते थे, तो एक टाइम के खाना उनको प्रोवाइड हो जाता था तो वो टेंशन नहीं रहता था कि वो घर पे जाके कुछ करना है। तो फिर इधर हम लोग उनको 2 बजे तक, सुबह 8 बजे आते थे, 2 बजे तक उनको इधर ही हम लोग सब पढ़ाते थे और सब होमवर्क करके उनको भेज देते थे ऐसा कर। लेकिन अभी भी अच्छा है, अभी मई का वेकेशन चल रहा है इसलिए आज आपको स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, तो ये टाइम पे स्टूडेंट अच्छी तरह रहते हैं और अच्छा तरीके से ये आदिवासी लोग यहाँ पे, आदिवासियों के लड़के लड़कियाँ अच्छी से तरह से 7th स्टैंडर्ड तक यहाँ पढ़ के नीचे 8th से नीचे स्कूल में हम लोग उनको एडमिशन करके देते हैं जो स्कूल में चाहिए वो, और उनका आगे का, अभी हमारे स्कूल में से निकले हुए लड़के लड़कियाँ ग्रेजुएट तक गई है, कोई ऑफिसर हो गए, अच्छा जगह सर्विस करते हैं, मॉल में काम को जाते हैं सर्विस करते हैं, अच्छी जगह सर्विस करते हैं और उनको अवेयरनेस अभी आ गया है। थैंक यू, मैं डिटेल में रिप्लाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ से आजू बाजू का भी एक बार कैप्चर कर लेंगे एंड मे बी फिर कभी, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन पूछने थे आपने तो वैसे ही पूरा आंसर कर दिया कि यहाँ की बात क्या, तो मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड तक
स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं 7th स्टैंडर्ड तक, एंड उसके बाद आप बाकी जगह में उनका एडमिशन करा देंगे। प्री नर्सरी नर्सरी से प्री 7th स्टैंडर्ड तक इधर लड़के लड़कियाँ थे, और लड़कियों का इधर ये ज़्यादा है जो स्पेन थे वो लड़कियों का ज़्यादा है लड़कों से। मतलब ये लड़के आते नहीं हैं कि लड़के अगर आने के लिए थोड़ा वो काम के लिए जब जाते हैं तो फिर वो लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ने में। बाकी हम लोग उनको टेलरिंग वगैरह भी बाकी भी जो वोकेशन वोकेशन है वो ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर वो भी काम हम लोग खाने से लेके आके उनको देते हैं, तो उनको भी इकोनॉमिकली भी अभी साल हो गया है, तो वो पैसे से ही वो आगे स्टडी करते हैं लड़के लड़कियाँ। क्या वो स्टूडेंट्स वापस आते हैं यहाँ पे? आते हैं मिलने के लिए, फिर 15 अगस्त को स्कूल का जो एनुअल डे रहता है तभी आते हैं, 26 जनवरी को आते हैं और आके मिलते हैं, अच्छा लगता है सब, और उनको अच्छा लगता है, वो पूछते हैं अभी हमको हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक स्कूल के बाहर का टैमरिन ट्री है, इसके नीचे इनका एनुअल डे फंक्शंस वगैरह होता है, बहुत सुंदर जगह है ये। आशा करते हैं आपको इस पंडित प्राथमिक शाला के बारे में इतनी जानकारी सुन के अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और लाइवली सोल्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।